वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए प्रतिरोध किसे कहते हैं और चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे। पहले मुझे बताइए प्रतिरोध होता क्या है। देखिए, प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रतीक कुछ ऐसा होता है, ठीक। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या तो उसे ओम बनाइए या फिर ये बनाइए, ठीक है। यदि ओम का एक नियम है, ओम का नियम केवल चालक के केवल और केवल चालकों पर निर्भर कर चालकों पर ही लागू होता है, अचालकों पर लागू नहीं होता जो विद्युत चालक होते हैं। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है यदि ताप स्थिर रहे, ठीक। अब प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा के बहने का अपोज करता है, उसे बहने से रोकता है, ठीक। तो हम अब बात करेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं और चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। पहली चीज़, ये चालक होते क्या हैं? चालक वे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा और ऊष्मा सुगमता से प्रवाहित हो जाए, उन्हें हम चालक कहते हैं, और जिनसे धारा प्रवाहित ना हो उन्हें अचालक कहते हैं। और कुछ होते हैं बेटा हमारे सेमी कंडक्टर्स, यानी अर्धचालक। अर्धचालक वो होते हैं जिसमें से जो सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मगर विशेष परिस्थितियों में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, ठीक। यानी इसमें चालक और अचालक के दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक कहते हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, प्रतिरोध किसे कहते हैं। पढ़िए यहाँ पर, प्रतिरोध चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक। इसका एसआई मात्रक ओम होता है और एक ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला, जब परिपथ में से एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभांतर एक वोल्ट का हो तो प्रतिरोध एक ओम कहलाता है। फिर समझ लीजिए, सूत्र होता है आर बराबर वी बटे आई। यदि आई का मान भी वन वोल्ट कर दिया जाए, ठीक है, और आई का मान वन एम्पियर कर दिया जाए तो आर का मान क्या आ गया? वन, यानी एक ओम। तो उन्होंने यही बताया, जब किसी परिपथ में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उस परिपथ का विभवांतर एक वोल्ट हो तो उस परिपथ का प्रतिरोध भी एक ओम होगा, ठीक। अब बात करेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये है वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला होता है चालक की लंबाई पर। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं हम लोग आर अनुक्रमानुपाती एल, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यदि चालक की मोटाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, आर अनुक्रमानुपाती 1/a। यदि चालक की मोटाई कम कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप के समानुपाती होता है, यदि हम किसी भी चालक का ताप बढ़ा देंगे, उसे गर्म कर देंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी चालक सामान्य रूप से सुचालक नहीं होते। कुछ अच्छे चालक होते हैं, कुछ बेकार चालक होते हैं, और कुछ अर्धचालक, जैसे बताया मैंने आपको, अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जो बेकार चालक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये था पूरा प्रतिरोध के बारे में, ठीक। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे उन बच्चों को शेयर करना ना भूलिएगा जो आपकी क्लास में साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस कमज़ोर है उनकी। इन्हें देखते रहेंगे तो उनकी साइंस को इम्प्रूवमेंट मिलेगा ज़रूर। आज वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।